चलो हाँ सा शब्द है ग्रंथ साहब का, सब ने 24 मिनट निकाला है। कोई राम राम करता है, कोई लल्ला करता है, कोई साईं साईं करता है, किसी को नहीं मिला। कोई तीर्थों पे जाता है, ये लफ्ज नहीं, वो एक ताकत है। ये तो समझाने के लिए है, उस ताकत को जिसको राम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, प्रकट करना था, वो काम सीखना था जिसे वो प्रकट हो जाए। जिसने प्रकट किया वो सिखा सकता है, बाकी नहीं। सोच लो, विद्या इसके अंदर है, मास्टर कैसे जगाई जाती है, इस तरह वो सतगुरु वो राम इसके अंदर है, फकीरों के जरिए जगाया जाता है। कहते कोई कुछ जपता, कोई जपता, जपने से ऐसे नहीं, ये ठीक है, पहले जपना पड़ता है, लेकिन वो जो फकीर बताते हैं वो काम करता है सिमरन, आम नहीं, बाद में रीत बन जाती है। कोई हज पे जाता है, ये जितने हज तीर्थ हैं सब काल ने बनाए हैं धोखा के, असली प्राग अंदर है। यहाँ जाते हैं ना तीर्थों पे, प्राग पे, तीन नदियों के संगम, असली वो अंदर है, कीड़ा पिंगला और सुखना, तीन वसिक ठाई बैणी संगम ते प्राग मनोरंजन कहते हैं। ये नकल बनाई है, धोखा दिया काल ने। वो अमृतसर इसके अंदर आया, ये अमृतसर गुरु रामदास ने बनाया है। अमृतसर का जिक्र गुरु नानक साहब ने किया है, नामदेव ने किया है, गुरु अमरदास ने किया है, वो अंदर है। का अंदर अमृतसर साचा मन पीवे पास सफाई हो, अंत निर्मल अमृतसर नाए सदा सुचे सात समाए। सोच लो, ये सारे धोखे दिए काल ने, धोखे से रचना बनाई है, भाई धोखे में बाहर बाहर रह जाना, बस
सारी दुनिया बाहरी बार फिर रही, चीज इसके अंदर है, कैसे धोखा दिया उसने। वो कहता कबीर के साथ लड़ता है क्या, कि तू मेरे देश आया क्यों है? मालिक ने मुझे हुक्म दिया है रचना का, तू क्यों आया? हाँ, कैसे धोखा दिया है? कहते कैसे ले जाएगा, मैंने ये धोखे बनाए हैं क्या? काल वचन। तबे काल अस बोले बानी, सकल जीव बस हमरे ज्ञानी। 360 पैठ और झेरा। हाँ, 360 पैठ और झेरे। हाय हाय, कैसे हंसन ले अबेरा। हाँ, कैसे ले जाएगा तू? हाँ, गंगा जमुना सरस्वती जानी। हाँ, पुष्कर गोदावरी कछु का मानी। मीरा कहती है गंगा जमुना मैंने अंदर देखी है। हाँ, बाहरी बार बना दिया पानी में नहा लो। हाँ, बद्री केदार हमका ठाव, जहाँ तहाँ हम तीर्थ लगाऊं। मथुरा नगर उत्तम जो जानी, जगन्नाथ जस बैठे ध्यानी। सेत बंद पुन कीन ठिकाना, पुष्कर क्षेत्र आय जम थाना। हिंग लाज जीव जय है सोई, काल का नगर कोट में। इसमें रिद्धि सिद्धि आएंगे, कुछ दिन आराम मिल जाएगा, सुख विषय विकार मिल जाएंगे, सुखों में चला जाएगा, लेकिन जनमन के बंद नहीं छूटते। स्वर्ग में कौन सा सुख है वो सुनाते हैं। हाँ हाँ, गढ़ गिरना दत्त को थाना, ताहे घेर जम बैठ निदाना। कमरू माहे कमिच्छा देवी, नीम खार मिश्रक जम लेवी। हाँ, नगर अजुदा राम है राजा, खैं देत बांध सब साजा। याही पेठ जग जीव भुलाई, कैविद हंसन देव। हाँ, बोलो भाई, ऐसे भुलाया मैंने, तू कैसे ले जाएगा, बोलो भाई। हाँ, ये सुर को गाल सुन लो। पहले तो कृष्ण भगवान ने कहा है कि हे उदो, ये जो कीड़ा जा रहा है, ये कह दो सुर का राजा इंद्र बना, कह दो शिष्य का कृत बना, ब्रह्मा बना, आज ये कीड़ा है, बोलो। सुर शुरू तो करते हैं, फायदा क्या हुआ? 84 तो ना खत्म हुई। हाँ, देख लो क्या लिखते हैं। हाँ, विशिष्ट योग। विशिष्ट योग विराग प्रकरण प्रथम सर्ग में श्लोक 36 से 39। हाँ, गीता अध्याय 1 श्लोक 20-21 में स्वर्गों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। हाँ, हर जीव अपने किए गए। वो है ना, क्या नाम, डॉक्टर गीता भवन वाला, सुनो भाई, ये लिखा है नहीं वहाँ? हाँ हाँ जी। हर जीव अपने किए गए अच्छे कर्मों के अनुसार सुख व भोग भोगता है। ये भोग और सुख इस संसार के सुखों में भोगों से हजारों गुना अधिक है। जिन लोगों ने बहुत उत्तम पुण्य किए हैं उनको उत्तम सुख मिलते हैं, जिन्होंने मध्यम पुण्य किए हैं उनको मध्यम सुख व भोग मिलते हैं, जो कनिष्ठ पुण्य वाले हैं वह कनिष्ठ सुख और भोग पाते हैं। वहाँ के भोगों की म्याद इस दुनिया के अनुपात भोगों के अनुपात में अधिक है। उम्र लंबी है, सुख है बाहर के। हाँ, लेकिन वहाँ पर भी काम क्रोध व ईर्ष्या द्वेष मौजूद है। जो अपने से ऊंचे बैठे नजर आते हैं वह उत्तम सुख भोगते हैं, उनको देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। जो अपने समान है और अपने बराबर बैठे हैं उनको देखकर क्रोध उत्पन्न होता है कि मेरे बराबर क्यों बैठा है, और जो अपने से नीचे बैठे हैं उनको देखकर अभिमान पैदा होता है कि मैं इतना श्रेष्ठ हूँ। हमारा भी यही हाल है ना, बड़े छोटे आदमी इसी तरह है। हाँ, वहाँ भी यही हाल है, वहाँ उम्रें लंबी हैं। हाँ, जब किए गए पुण्य के फल का भुगतान हो जाता है तो एक क्षण भी वहाँ रहने नहीं देते और इसे मृत्यु लोक में बस कर्मों का फल खत्म हुआ, फिर कीड़े पतंगे, फिर 84 तो खत्म ना हुई। ये सब काल के हैं, कर्म धर्म जप तप पूजा पाठ बाहर के, लेकिन मुक्ति नहीं इनमें। हाँ, एक मुक्ति बनाई है उसने, वो कल पर्यंत है, उसके बाद फिर 84 में आना पड़ता है, जन्म के बाद नहीं छोड़ते। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, कहता है कोई राम राम करता है, कोई तीर्थ में नहाता है। हाँ, आगे है। कोई पढ़े वेद, कोई काते
फिर बोले हाँ तो पढ़ने पढ़ाने में रह गए या पेख बना लिए देखो भाई पेखो पेखे में रह गए असली मतलब लिया ही ना रोज पढ़ते हैं पट पट गड्डी लदिए पट पट पढ़िए साथ पट पट बीड़ी पाइए पट पट गड्डी खाद पढ़िए जीते वर्ष वर्ष पढ़िए जीते मास पढ़िए जीते आर्जा पढ़िए जीते सास नानक लिखे के गल और हम चकना चाह सब अहंकार है और कूड़ पढ़ना कूड़ बोलना माया नाल प्यार नानक बिन नाम में कुछ स्थिर नहीं पट पट हो एक बार अंदर नाम को प्रकट करना था ये तो किया ही ना पढ़ पढ़ के चले गए रोज पढ़ते हैं अनंत भैया मेरी माया सतगुरु में पाया सतगुरु में पाया सह से ती मन वजह बताइया पढ़ते हैं पाया किसी को अनंत मिला देखो भाई पढ़ा ही पढ़ा है वो सतगुरु चौथे लोक में रहता है सह से ती वहां जाए तो अनंत मिले कैसे मिले सोच लो पेखो पेखो में रह गए क्या लिखते हैं गुरु सिंह चित्र नाटक में हाँ बस इसी तरह सारी दुनिया का है सिमरन करो याद रखो अंदर जा चीज मिलनी है हाँ हाँ जी फिर वो चित्र नाटक में लोगों को हिदायत करते हैं बहुत कुछ लिखा पहले हाँ कि हाँ ऐ लोगों ये बात अच्छी तरह समझ लो कि जो लोग शरीर पर बनावटी भेष धारते हैं ऐसे पाखंडियों को मालिक नहीं मिलता जो लोग पाखंड रचाते हैं उनको परलोक में मुक्ति नहीं मिलती इसमें कोई शक नहीं कि इस दुनिया में उसकी उनकी जिंदगी के दिन अच्छे गुजर जाते हैं क्योंकि उनके बाहर मुखी स्वांग को देखकर बड़े बड़े राजा महाराजा भी उन्हें पूजने लग जाते हैं इन स्वांगों से परमेश्वर नहीं मिलता चाहे कोई कहीं खोजता फिरे बोलो देख लो किसी ने कोई पेश बना लिया किसी ने कोई बना लिया किसी ने कोई बना लिया बस हाँ जिन हाँ। लोगों ने अपने मन को काबू में किया मन को काबू में किया है ये सब मन दिलासे देता है मन हमारा दुश्मन है मन हमारा दुश्मन है ये इसलिए भक्ति नहीं करने देता अंदर नहीं जाने देता अब हम पेपर राज कर रहा है फिर इसको बताए थोड़ा पड़ता है हाँ उन्होंने ही सच्चे सतगुरु पार ब्रह्म को जाना हाँ मन के पीछे सब कुछ है सोच लो मन काबू नहीं तो कुछ भी नहीं हजारा कर्म धर्म जप तप पूजा पाठ कर लो कभी काबू नहीं आता ये छोटी अस्थि नहीं ये ब्रह्म की अंश है ब्रह्म कहते हैं रचना चिल्लाने वाला इसका काम ही जीव को भ्रमणा भटकाना का कोई जीव उसके दायरे से ना निकल जाए बस और कोई काम नहीं कभी कहते ये कर ले कभी कहते ये कर ले कभी कहते ये कर ले दिलासे में रखता है हा? जब तक अंदर रस नहीं आता अंदर शब्द का नाम का रस नहीं लेता ये काबू नहीं आता बस बाहर की लज्जत में फंसाए फिर रहा है कभी कहते ये कर ले स्वर्ग हो जाएगा कभी कहते ये कर ले कर्म धर्म सब बंधना पाप उन संबंध ममता मोह बंधना पुत्र सो धन जान देखा धन जीवरी माया का संबंध नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्त्यन सब निरखाता है सब जाप सब तप सब चतुराई उज्जड़ भर में राह न पाई उल्टे रास्ते हैं बिन बुझे को था न पाई नाम उन्हें माथे शाही वो राम रमी हुई ताकत है शब्द रूप में नाम रूप में उसको प्रकट करना ये असली भक्ति है बस उसको हुक्म कहो शब्द कहो नाम कहो आगे इस बात को खोलते हैं है? ये काम करना था अंदर नाम को प्रकट करना था चार वेद के प्यास ने अर्थ विचार विचार तामे निकसी भक्ति कौन सी राम नाम तसर रमे हुए नाम की हाँ हाँ जी जे जे फेक सो तन में धारे ते प्रभ जन कछु के न विचारे समझ ले हो सभी जन मन माही डिम्बन में परमेश्वर नाही जे जे कर्म कर डिम्ब दिखाई तिन परलोगन मेंगत नाही जीवत चलत जगत के काजा
स्वांगन देखकर पूजत राजा। बड़े बड़े राजा महाराज भी देखने बल्ला बड़ा भागता देखो बस हाँ मोन रख के बैठ जाते हैं ना बल्ला मोन यहाँ प्रेमी आया करता द्वारयानी का। कहने लगा मैं एक मोनी के पास जाया करता राजपुरे, उसको घी की जरूरत पड़ी, उसने इशारे से समझाया, हमारे समझ में ना आया, काफ़ी देर लगा रहा, आखिर मदानी बनाई रिड़ के दिखाया, कितना टाइम खराब हुआ भाई बोलो। मौन क्यों रखते हैं, हमें किससे बात ना करें, कोई ख्याल माल की तरफ रहे, कितना टाइम खराब हुआ, दो लफ्ज बोल देते तो क्या था, बोलो कितना टाइम खराब हुआ, बस इसी तरह चल रहे हैं सारे काम, दिखावे रह गए सब। हाँ स्वांगन में परमेश्वर नाही, खोज फिरे सभी को काही, अपनो मन कर में जे आना, पार ब्रह्म को तेने पछाना। हाँ चलो अगे अगे बोल हूँ सुनो गा है। कोई काहे तुरक कोई काहे पहले कैद है, तन में कैद है, आगे माँ बाप बहन भरा सब है, कौन बस और ठेके ले लिए और बंधन डाल लिए रस्से, पहले रस्से बहुत हैं, देख लो भाई कौन बसों के और देशों के और डाल लिए, कौन सा देश है इसका सोच लो, आया कहाँ से आया, सतलोक अमरलोक से आया, ये कह दिन के देश हैं, कल मर जाएगा, पता नहीं किस देश में पैदा हो, क्या पता कीड़ा बने पतंगा बने क्या बने है? सोचो भाई इसी के लिए लड़ लड़के मर गए, ऐसे मंदिर मस्जिदों के लिए लड़ लड़के मर गए, चीज अंदर है फिर तब बाहर है, देख लो वो अंदर चीज है, सबके अंदर अमृत वास है, सबके अंदर वो राम है। हाँ आगे बताते हाँ हाँ चल फिर कहो नानक जीन हुकम क्या, जिस हुक्म से दुनिया बनी है, हुक्म होना कार हुक्म ना क्या जाई हुक्म हम जिया हुक्म ले बढ़ियाई हुक्म तुम नीच, मालिक के हुक्म से सारे बने, हुक्म कब जाहिर होता है, जब बोले शब्द, शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द प्रकाश, शब्द की लहर कहते हैं नाम, नाम के धारे सगले जान, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, उस हुक्म को जिससे दुनिया बनी है, नाम को कहो शब्द को कहो, मुसलमान कलमा कहते हैं कलाम इलाही कहते हैं, ईसन भड़का है, उसको प्रकट करना ये असली भक्ति है, वो रेडियो सारी जगह है, उसके सुन रेडियो में आवाज़ सुनते हैं, वहाँ भी कई सोचे हैं, कलकत्ता मुंबई इंग्लैंड अमेरिका अंदर भी हैं, काल महाकाल सब उसी के हुक्म से बने हैं, सब कुछ है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज़ आए सिमर करके आंखों के पीछे आए फिर वो सुनाई देती है, यहाँ भी कई धोखे हैं, जो फकीर सिमर बताते हैं वो सुच्चा है इसका, वो सुच्चा है उसके आगे नहीं कल आवाज़ आती ठीक ठीक आएगी, हाँ बल्कि वो जिस फकीर ने उसको प्रकट किया है उसी रूप में आकर मालिक उसको वो शब्द पकड़ाता है, बाकी नहीं, अंदर धोखे ही धोखे हैं, बिखड़े दो दत्त सन के जीव जी लपड़ गया उलझा नमन सूत की तरह उलझा पड़ा बेचारा है। हाँ जी बस सिमरन करो बाकी मालिक पैर छोड़ो बस, कि मालिक तू छुड़ाए तो छुड़ाए, तू फिर ठीक फकीर मिलाए तो मिलाए, बस तब आए
कितने फकीर हैं दुनिया में? एक दो होते हैं बस, ज्यादा ज्यादा असली जिसको बाकी बख्शे बस। हाँ हाँ जी, कहो नानक जीन हुकम मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मुझको कहाँ ढूंढे है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में, मैं हूँ तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मैं हूँ तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे।
ये कबीर साहब का शब्द है, देख लो कि मैं अंदरों अच्छा सुनी नहीं फकीरों की, दादू रो रो के गया है। दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी, पंडित काजी बेद कतेबे पड़ पड़ मुँह लवारी, वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े बवजलधारी, ईसाई सब धोखा खाया पढ़ अंजील बिचारी, हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पचारी, नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे भावजल पारी। कि मैंने नूर जहूर खुदा देखा, तुम भी देखो, कहते बस ऐसी फंसे कोई सुनता ही नहीं। टेप में वचन पढ़े मसान जी के, दादू ने कहा भी कोई माने ना हमारी, मस्ताने गरीब की कौन मानता है, है, है। देखो टेप में पढ़े बच, मस्ताने गरीब की कौन मानता है। अकबीर रो रो के गया, हाँ दो पाई का आदमी उसकी मान लेंगे, नहीं फकीरों की नहीं मानेंगे। हाँ हाँ जी, जगत कहे जुलाह अज्ञानी, हर हर का कुछ भेद न जानी, नीच जात और भगत कहाई, हर का दर्श कबू न पाई, सबसे कहूँ पुकार पुकारी, कोई नहीं माने नर और नारी, इनका दोष नहीं कुछ भाई, धर्म राय राखे अटकाई, गुप्त पसारा है अति भारी, ताहे न जानी नर और नारी, शिव गोरख कोई पार न पावे, और जीव की कौन चलावे, नब्बे नाथ चौरासी सीधा, समझ बिना जग में रहे। ये जितनी ताकते हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं, ये आदमी की जूने के लिए तरसते हैं, हम इनको पूछते हैं, बोलो। हाँ, ऋषि मुनि और असंखन भेषा, सत्य ठोर सपने नहीं देखा, जोर कहे पतियावत नाही, बहुत कहूँ समझा मन माही, कोई योग कोई मद के माता, कोई कहे हम लखे विदाता, कोई मान दशा प्रयोग में ना हुआ, मौन होकर मूल गुवावे, सत्य पुरुष की युक्त ने पाई, हृदय धरे नहीं सत्य को भाई, कोई कहे हम हैं भजनीका, काज अकाज लखे नहीं जीका, कोई कहे हम पढ़े पुराना, ततव ए ततव सभी कुछ जाना। बातें बातें हैं, ये लिखा है वो लिखा है बस। हाँ हम देखे हैं अर्थ ज्ञानियों के, जहाँ अंदर की बात आई बस उल्ट पुल्ट कईयों को दिखाए हैं। हाँ जी, कोई कहे विद्या अधीना, सब विचार काया में चीना, कोई कहे तप वस कर राखा, तप है मूल और सब शाखा, कोई कहे कर्म अधिकारा, कर्मा सु उतरे वो पारा, कोई कहे भाग्य लिखा सो होई, भाग्य लिखा मेटे नहीं कोई, कहाँ लग कहूँ ये सब कही, भेद हमारा न को लही। हाँ, हमारी बात किसी सुनी ही ना चल, देखो भाई है, बस भाई याद रखो, सिमरन करो, मेन चीज है बस, ये सब काम करता है सिमरन मार्ग, सहज का सदगुरु दिया बताए, ना घर छोड़ना, ना बाल बच्चे छोड़ने, ना भूखे मरना है, कम खाओ कम सो, ये है तालीम, बाल बच्चे ये भी संभालने हैं, लेने देने भी खत्म करने हैं। हाँ हाँ जी, सब सुहार मान में बैठा, ये सब जीव काल घर बैठा, सब काल का खाजा बने रहे, घर बार छोड़ के क्या, देखो 88,000 साल तप पौन हारी, दरख्त पे एक दफा जीव मारता था पानी पी लेता था, बस ये उसी खुराक, उसको मन ने मार दिया। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, मन ने मार दिया। प्राचीन जी पूर्ण योगी होकर आए, योग करना बड़ा कठिन है, इसमें एक ऐसी जगह है अगर वहाँ प्राण फांस जाए तो कहीं पागल हो जाते, इलाज ही कोई नहीं, पूर्ण योगी बोलो, उसको मन ने मार दिया, मिश्र जी भी मारा गया, देख लो। इतने पढ़ते भी हैं लेकिन फिर भी नहीं छोड़ते, असली रास्ता नहीं ढूंढते, नसीब कहाँ से लाए कोई है। हाँ हाँ जी, हाँ बोल, चलो बोल, हो गया।
चलो गुड हाँ दे हाँ बस तो बगैर अभ्यास के किसी को नहीं मिला, मेहनत करनी पड़ती है। 88,000 साल तक देखो बाहर के, तो जो फकीरों वाला है उसमें सख्त मेहनत उसमें भी है। दिन पर रात तन का प्यार छोड़ना, विश्वकार छोड़ना। ले लो गुरु अमरदास, 72 साल की उम्र तक जाप ताप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे, और तो कोई ख्याल नहीं था। ख्याल तो किया माल की तरफ ही रहा, फिर भी कुछ ना मिला। फिर अंग साहब की शरण में आए, उसमें मालिक ने मेहर की, उनकी शरण में आए। 12 साल कड़ी से कड़ी सेवा, रात को किली से केस बांधे, फिर पाए अभ्यास किया तब चीज मिली। पूर्ण ताकतों को जो आती हैं मालिक दरगाह से इसी काम के लिए, उनको भी आकर अभ्यास करना पड़ता है। दुनिया में गुलान साहब खुद आए, 13 साल रूढ़ियों को बिस्तर रखा, बोलो भी स्वामी ने 17 साल चुबारे में बैठे रहे, और फकीरों को देख लो, ऐसे नहीं मिलता किसी को। कृष्ण भगवान को उन्होंने कहा, उनका खास मित्र था, कि मुझे अपने परम पद ले चलो। कहने लगे पहले अभ्यास कर, बोलो गीता में लिखा है। बगैर अभ्यास के किसी को नहीं मिला है। हाँ जी बोले शाह ने कहा, बिन मेहनत किसी ने पाया रब का नाम खजाना। हाँ जी धन धन सतगुरु तेरे जो सास ग्रास त्याए मेरा हार हार सो गुरु सिख गुरु मन पावे जो सास ग्रास त्याए मेरा हार हार सो गुरु सिख गुरु मन पावे जो सास ग्रास बोलो रोज अमृतसर जाकर ना आ सकते? अमृतसर वाले नहीं ना सकते। सिमरन करके अंदर जाए वो अमृतसर अंदर है, वो प्राग अंदर है, वो हौज कौसर अंदर है। सोच लो, हाँ घर बैठे। मीरे ने कहा गंगा जमुना मैंने अंदर देखी है, उसमें रोज नहाती हूँ, मैंने सतगुरु का अंदर देखा है, उसके रोज दर्शन करती हूँ। बोलो हाँ हाँ जी सर जाओगे तो देखो भाई पैदल चलते चलते कितने दिन लगेंगे, गाड़ी चलो गाड़ी भी सही जाना पड़ेगा ना। इस अमृतसर में ये जाना पड़ता है, पीछे छोड़ना पड़ता है, जिसमें खाली करे ख्याल रखो पीछे पट करे, यहाँ से आगे रास्ता मिलता है। हाँ हाँ स्नान कर अमृत सर नहावे सास ग्रास जाए मेरा हार सो गुर सिख गुरु मन
सदगुरु से ठीक फकीर मिले बख्शा हुआ, वो सिमरन जो बताए हैं वो जपे अंदर अभ्यास करे। हाँ फिर हाँ उपदेश गुरु हर हर जप जाते सब किल लिख पाप दोख ले जा। वो सिमरन से जो जो जिसम खाली होगा, जिसमें सो जाता है, टांगे सो जाती हैं कई तो फिर ठीक हो जाती हैं, इस तरह सारा जिसमें सो जाए। ये है अभ्यास का तरीका, फिर अंदर जा सकता है। फिर बोल भाई सोना। हाँ हाँ जी करने से नेको पाप जाते हैं, जो मालिक के हुक्म से उन्होंने पाप खत्म होते जाते हैं, रूह अंदर नहीं जाने लगती, अंदर आहिस्ता आहिस्ता से जिसम चढ़ाई करने लग जाती है। जब आंखों के पीछे आया यहाँ से फिर मार्ग शुरू होता है। हाँ ये अभ्यास करना था पहले। हाँ जी सब किल दिख पाप दोख ले जा। थोड़ा सुन करने से भी अनेकों पाप करते रहो, समय पता कोई नहीं, चलते हैं पांव के नीचे कितने जानवर आते हैं, सांस के जरिए अंदर कितने जाते हैं, दुख भी चलते फिरते खाते पीते अनेक पाप हैं, वो तो रोज के रोज चढ़ते जाते हैं। और ज्यादा करे सिमरन नाम के लिए सब काटे, धर्मराय के कागज फाटे, धर्मराय के कागज भी खत्म होने लगते हैं। करे कोई हाँ हाँ अकाउंट पता नहीं कितने पड़े हैं, राजा से पूछा गया चंदा क्यों हुआ है, उसने कहा मुझे पिछले 100 जन्म का पता है, कोई कर्म नहीं ऐसा जिसे मंदा हूँ। जब कृष्ण भा ने तवज्जो दी फिर पता चला इस 6 जन्म पीछे कोई कर्म किया था उसके बदला दे रहा है। बोलो इतने कर्म पड़े हैं, कब खत्म हुए? हाँ कर लेंगे, चलो भी कर लेंगे, बस यही रह गया। हाँ ये कर लें वो कर लें। हाँ सब किल विक पाप दोख ले जावे जो सास ग्रास जाए मेरा हार। इसको उठाओ भाई। हाँ हो भाई मना इतने बैठे बैठे में नींद, पहले तो सुन दे कोई सुनता तो बाद दरवाजे तक बुला देगा, दरवाजा बाहर निकले बस खत्म हो रही और क्या है। हाँ हाँ जी काम सिमरन है, दिन चढ़े चाहे बाणी पढ़ो चाहे कुछ करो चाहे और कोई काम करो, बस फिर है। हाँ पहला काम सिमरन है, साफ लिख दिए फिर चढ़े दे गुरबाणी गाओ कुछ करो। हाँ पहला सिमरन है। हाँ जी पढ़ने पढ़ने में रह गए, जो बाणी कहती है उस पर अमल ना किया। देखो भाई खाने बनाने किताब पढ़ते जाएं, लड्डू ऐसे बनते हैं, जलेबी ऐसे बनते हैं, हलवा ऐसे बनता है, कोई बनेगा? कोई बनाएगा तभी है भाई, ये वाणी जो कहती है उसकी अमल करे। वाणी बहुत कीमती है, ज़रा ज़रा एक एक लफ्ज उसका कीमती है, पता नहीं किसी कदर नहीं, पढ़ने पढ़ने में रह गए। हाँ कोई बात नहीं छोड़ी उसमें। हाँ फिर चाड़े दिवस गुरबाणी गावे फिर चाड़े दिवस गुरबाणी
करते चलते फिरते उठते बैठते मैंने उठते हम सिमरन करो बस नामा कैत लोचना मुख से राम समाल आत्मा कर काम सब चित रंजना मुसलमान फकीर हुआ एक मजाज सुनाया करते थे टट्टी फिरते फिरते तो ख्याल ऐसे ही था माल की तरफ ख्याल टट्टी फिरते फिरते ही रूह ऊपर चली गई माल के दर्शन हो गए शाह हुसैन गद्दा जिस संग दे अल्लाह लद्दा टट्टी फिरते फिरते मिल गए भाई बोल क्या पता किस वक्त मेहर कर दे लगा रहे बस ये प्रेम का मार्ग है जिस काम के लिए प्रेम है कैसे भाग्य तोड़ फिरते हैं मतलब भाई इसी तरह ये है गर्ज ही नहीं दुनिया को हाँ जी ठीक लिखा उन्होंने गर्ज ही नहीं हाँ जी संत महात्मा रूहानी ताकतों के भंडार मालिक की दरगाह से लेकर आते हैं वे मालिक के खजाने के चाबी बरदार खजांची जिनके द्वारा मालिक अपनी दौलत खुद लुटाता है जब तक संत इंसानी चोले में रहते हैं वे मालिक के हुक्म से सब जीवों को प्रेम प्यार और दीनता से समझाते रहते हैं कि ये मानस दे मुश्किल से 84 भुगतने के बाद मिली है परंतु नाम की भक्ति के बिना ऐसे ही बर्बाद हो रही है और एक दिन यूं ही मिट्टी में मिल जाएगी इससे लाभ उठा लो चिरंकाल पाई दुर्लभ दे नाम भी होनी होई खे मुश्किल से मिली है मदद के बाद जितनी जल्दी हो सके इन संसारिक बंधनों को तोड़कर आजाद हो जाओ और अंदर जाकर नाम धन प्राप्त करके जिसका खजाना संत मालिक की दरगाह से बांटने के लिए लाते हैं नाम धन प्राप्त करके जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाओ जैसा कि किसी कवि ने कहा कि मालिक संतों के रूप में आकर जीवों से ये भीख मांगता है आज लुटा भीख मांगता आकर वो भी किस तरह जप लो भाई हाय जप लो प्रेम प्यार से समझाते हैं जैसे बच्चों को है देखो भाई है किसी को कपड़ा दे किसी को कुछ दे मसान जी किसे भाई बैठे कोई टाइम दे कब प्यार प्यार से समझाते रहते थे हाँ जी जैसा कि किसी कवि ने कहा है कि मालिक संतों के रूप में आकर जीवों से ये भीख मांगता है आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा परंतु इस दौलत का कोई ग्राहक नहीं मिलता ग्राहक नहीं मिलता वो तो देने को तैयार है ये एक कदम चले हैं 2 करोड़ कदम चलते हैं इसके लिए बोलो ये एक दफा याद करता है तो वो करोड़ दफा याद करता है
फकीरों ने तजर्बे किए लिखा है भाई गुरदास लेते चरण शरण गुर एक पेंड जाए चल सतगुर कोट पेंड आगे हुए लेता है। बोलो कोई खास मित्र है खास किसी मेरा वो आता तो उसको हम कैसे स्वागत करते हैं बोलो है? चरण शरण गुर एक पेंड जाए चल सतगुर कोट पेंड आगे हुए लेता है एक बार सतगुर सिमरन मात्र सिमरता है बार बार गुर हेता है। बोलो भाई वो आता इसलिए सतगुरु सबको लेता लेता नहीं कोई लेता नहीं कोई शीश को धरे उतारी वही शख्स को मिला जिन्होंने आशा मारी दुनिया की आशा तृष्णा नहीं छोड़ती ये मिल जाए बाहर की चीज मांगता है देख लो उसका कोई कहा कि नहीं। हाँ यही कबीर साहब फरमाते हैं कि मेरे अंदर नाम रतन धन की खान खुली है जिसको मैं मुफ्त देता हूँ लेते भी कुछ नहीं छोड़ते भी कुछ नहीं। कैसे जब राजजनक ने ज्ञान मांगा तो अश्ववक्र ने कहा ज्ञान की रक्षा भी हुआ करती है क्या कि तन मन और धन कहने देने को तैयार हूँ कि मुश्किल है कि नहीं संकल्प कर दिया तन मेरा है कि जी हाँ या जूते में बैठ जा रैयत के सामने राजे का जूते में बैठना आसान है बैठ गया फिर उसके ख्याल महलों में जाए खजानों में जाए कहते महल मेरे हैं खजाने मेरे हैं सब कुछ हाँ कि हाँ जी अगर उस तरफ ख्याल ना ला उसने कहा वाकई ठीक है मैं दे चुका हूँ उससे ख्याल तोड़ा अब मन संकल्प विकल्प उठाता है कि मन मेरा है कि जी हाँ इसे संकल्प विकल्प ना उठा ये सबसे मुश्किल काम है। मन से लड़ाई की फिर रूह अंदर चली गई पूछा ज्ञान हो गया जी हो गया कोई कसर नहीं देखो अच्छा संभाल अपना तन मन धन अपना न समझना सदगुरु का समझना सेवादार बन के काम करना। बोलो क्या लिया क्या छोड़ा वो हमारे बंधन छुड़ाने आते हैं इन बंधनों ये ख्याल निकालने के लिए बंधन मात पिता संसार बंधन सुत करने नार बंधन कर्म धर्म किया बंधन पुत्र मन भिया बंधन भेदभाव अहंकार। बोलो भाई कमों के मजमों के देशों के देखो खाम खा के बंधन है चलने से तो काम लेना चलो कुछ हुआ देश कौम बना के और झगड़े में पड़ गए इससे अलावा और सौदा अनविचारी केड़ा कौन सा सौदा खानदान का हो उस गोत का हो हमारा फलाना यूं अफसर है चाहे वो पूछे ही ना इसको बोलो खाओ खानदर दाखिल देख लो बस इसी तरह फंसा। हाँ जी नाम रतन धन मुझ में खान खुली कट माही सीत मीत ही देत हूँ ग्राहक कोई ना हाँ। हाफिज साहब फरमाते हैं हाँ। या खुदा चारों तरफ अंधेरा छा रहा है। सबके सब बिल्कुल कोरे और रूहानियत से बिल्कुल बेखबर नजर आते हैं हाँ। और इस धन का कोई ग्राहक नजर नहीं हाँ। क्यों भाई ठीक है तो मालिक बुला ही दिया बस हाँ जी
ग्रास ग्रास जाए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन पावे जो सास जपो दूसरे को उपदेश दो रल मिल के काम ज्यादा होता है और उनको उपदेश कर भजन करे निष्काम चरणदास हरिजन पहुंचे हर के धाम आप पे भजन करे नहीं और मना करे चरणदास वह दुष्ट नर घोर नरक पड़े देख लो भाई कर लेंगे यार चट परे बस बतेरा पिया है हाय याद रखो आप जब प्योर नाम जपाए लगा रहे बस टुटिया फुटिया जमे है आप शिकायत करते जी भजन नहीं बनता ये जल्दी का काम नहीं मुद्दे लगते हैं कितना पवित्र हृदय था गुरु अमरदास का 12 साल कड़ी से कड़ी सेवा रात को किल्ली से केस बांध दे ऐसे आसान मिलता है हम तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हमारे हृदय तो कितना हृदय साफ था बोलो जल्दी का काम नहीं लगे रहो बस अपनी तरफ से कोशिश करो बस हंकार ना आए बैठता तो हंकार ना आए सदगुरु तू बैठाए तो मैं बैठ सकता हूँ उठे सदगुरु तेरी मेहर से बैठ सके बस याद देखो मैं ना आए मैं आई तो सब गया किया किराया सब गया जब आए अहंकार हाँ हरे कहता मेहर करो मेहर देने को तो तैयार है कोई लेने वाला भी हो मुफ्त की मेहर तो नहीं मिलती अगर स्कूल ना जाए मास्टर के पास ना जाए कि जी ऐसी पास कर तो हो जाएगा हाँ जी चलोगे हाँ हाँ जी बोल चलो टाइम है हाँ हाँ जी बोल भाई हाँ हाय ज्ञानी दे फिर ज्ञानी दे कद फिर पिछले हाँ चल दे हाँ ज्ञानी क्यों बोलेगा चलो बोल आम तो शब्द शब्द है पर यह मौके औखा में संगत आई है हाँ हाँ जी हाँ जी बोलो ये ऐसा सेवन जो फकीरों वाला माल के हुक्म से है जैसे बिजली काम करती है किसी चीज़ को काटने वाली है तो मिनटों में काट काट कर ढेर लगा देती है हाथ से तो नहीं उतना होता बनाने वाली तब भी इसी तरह काल उस्ताद का सिमन जो है दिया हुआ वो कन से जन्म जो कई कई जन्मों के कर्म करते हैं मिनट मिनट पे बोल और उसका पसारना ही पाप है जेता पाप सब जग करे तेता नाम बसारे होई बोलो
दादू राम संभाली इतने डरे धोई दादू साहब को वचन है। हाँ हाँ जी दान दान सतगुरु जी हाँ जी आजकल बड़ी मेहर चल रही है देख लो चाहे थोड़ा कीता है चाहे कुछ फिर भी है संभालता है सतगुरु एन कह के जाते हैं खुशी खुशी जाते हैं चेहरे पे खुशी होती है इनकी वो बीबी बीबी ने चूल्हा छोड़ा है ना दे कहना कनैल की माँ ने दिसू हाँ कह जावा कि ना जावा आखे ठहर वो समझो कित रिश्तेदारी जाना है कि तेरी मर्जी है फिर पूछे कहीं चंगे कहते जे कहते तो मैं एक दो दिन होर ठहर जाती नहीं तो मैं जानी हूँ अपनी मर्जी हो ना देख लो भाई कमाल है हाँ देख लो है चल साहब कहें मैं हाँ अगे उन्होंने 8 दिन प्यो न रख लिया से पता नहीं उन्होंने प्रेम कैसा है कहें जो कहना तो मैं होर ठहर जाती देख लो है हाँ जी चलो भाई Yeah!
दर्शन को मेरा मन बहुत तपते क्यों तिरखा पंत बिन तीर आ क्यों तिरखा पंत बिन तीर मेरे मन प्रेम को तीर मेरे प्यास लगी है पानी है पानी करता फिरता है बोलो भाई जब तक पानी नहीं मिलता शांति नहीं आती देख लो इस जो प्रेमी ने ये एडी तड़प होवे है मालक दर्शन ता मिलती चीज हाँ देख लो दुनिया दे कि ना प्यार पै जाना सारा दिन पिछे नठता हर वक्त ख्याल है बस इतने ख्याल होवे ता है हाँ सतगुरु की मत तीर ले सतगुरु की मत तीर
कोई सोचता ही नहीं, फिर इन प्रेम लग जाए और कोई सोचता ही नहीं। पुरानी गल है, एक प्रेमी लुधियाने से सिमरन करता बाहर निकल गया, चलता गया, 13 मील निकल गया सिमरन करता करता। अगे देखता हूँ उन्होंने गड्डिया भी थोड़ी होंगे सी, 13 मील बोलो भाई कितने आ गया, कहते हूँ की करेंगा उत्थे। हम सोचता भी किमें, कहना चंगा जिहड़ी गड्डी आया उस गड्डी जाऊँगा, बस लग गया। इहदा ना प्रेम है, होश ही नहीं रही। लैला बादशाह लड़की सी, मजनू दी आशिक सी, उहदे कोल जांदी पई सी। एक काजी नमाज पढ़ता पिया सी, उह काजी दे अगे सी नंगी। हुण उहदे उह कहिंदा मेरी नमाज खराब हो गई, तूं गालां कढ़ियां उहने। मगरों सोचता भी राजे लड़के की शिकायत करती मेरे ना की हो। जब वापस आई बीबी मैंने माफ़ कर दे, कहना की माफ़ कर दा मैं, मैं तो गलती हो कोई गल भी है? वो फिर मिन्नता करे, कह मैंने दस तो दे, कहना मैं नमाज पढ़ता, तू अगे थी मैं तेनों गाला कटिया भी तू मेरी नमाज कर सी। कहने की नमाज पढ़ता सी, अखे अल्लाह तला दे, कहते लाते तेरी नमाज ते, तू अल्लाह तला नमाज पढ़ते तेरे ना आ ला, ते मैं मजबूरी नमाज पढ़ी मैंने होश ही नहीं। बोल है ये ना प्रेम है। देख ना बाहर इन्ना प्रेम है, मालिक पीछे किसी कोई विरला ये जिन्हें बख्शे, ये थोड़ा भी है बड़ा कीमती है। लगी रहे बस। हाँ जी करे जिथे जाए उथे खड़ा नाल, दिल सच्चा चाहिए, चाहे झूठी भी झूठा भी किसी लगे किसी पास लगन, ता भी उथे बैठे होंगे। वो इब्राहिम बादशाह 12 साल कबीर साहब को रहा। एक दा पहाड़ी तेने जान लग्या, अगे एक फकीर बैठा से, वो कहना इत्थे ना आ। क्यों? कहते इत्थे खाने नू कुछ नहीं। कहना तेरे वास्ते तो नहीं आया, तेरे को नहीं आया। शाम इन्हें तो पला गए, उहदे वास्ते दो रोटी ते पानी दे गिलास आ गया। बड़ा सड़िया हो कि फकीर एक उन्हें तो मालिक दोनों पुला भेजते मैनू ये। अगले दिन फिर इस दिन हुई, फिर सड़िया। मालिक कहन लग गया उन्हें मेरे वास्ते बादशाह छड़ी है, तू घा खोदा खोदा आया जे नहीं, ये रोटियां ये भी तेनों गनीमत है, नहीं तो यही खोपरा रंबा चक जा अपना। ये है हाल, आप पखंड बहुत है। इतना प्रेम है, इहदे वास्ते खड़ा जिथे जाओ है। हाँ जी हाँ।